मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो उसके पास स्याह रंग वाले और नीली आंखों वाले दो फरिश्ते आते हैं और उसको उठा के बिठाते हैं। बाकी हदीसों में तीन ही सवाल हैं, लेकिन इस हदीस में हुजूर ने फरमाया उन्होंने बस मेरे बारे में ही पूछना है, उठा के सिर्फ ये पूछना है, बता मदीने वाले महबूब के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। वो कहेगा कि इनके बारे में क्या पूछते हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो हुजूर फरमाते हैं उसकी कब्र 70 गज चौड़ी और 70 गज लंबी कर दी जाएगी, फिर उसकी कब्र को नूर से भर दिया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं वो बंदा फिर फरिश्तों से एक बात कहेगा, ये जरा मैं अपने घर बताऊं बाके कि अल्लाह ने बड़ी खैर कर दिया। फरिश्ते उससे कहते हैं नहीं तो किसी को ना बता, तू इस तरह सो जा जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोया कर। और फरिश्ते कहते हैं अब तुझे वही आके जगाएगा जो तेरे अहल में तुझे सबसे ज्यादा महबूब होगा।